डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ब्रिटन कॉलेज के इस ऑनलाइन लर्निंग सेशन के साथ मैं हूं अजीम अनवर, आपका बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम 6 लेक्चर में कवर करेंगे, तो उस सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आए हम इसका आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के पहले लेक्चर में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। क्या एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्सेप्ट मैप की फॉर्म में, जो मैंने आपके लिए खास तौर पर तैयार किए हैं, हर लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आपको ये शॉर्ट पीस ऑफ स्लाइड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, कि आपको पता होगा कि एक लेक्चर में आपने जो पढ़ा है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या इंटरप्रेट किया है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने हैं जो स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं इसका। तो जी एंजाइम्स, कि एंजाइम एटिमोलॉजी, एंजाइम का मतलब क्या है, कि वर्ड एंजाइम इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अगर आप लफ्ज एंजाइम को देखेंगे ना जी, तो आप देखेंगे कि ये 2 ग्रीक वर्ड पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं N-E-N-N, N mean in या within, and second one is called zyme, zyme mean yeast, कि in yeast। पहली मर्तबा एंजाइम्स को यीस्ट में डिस्कवर किया गया, तो इसलिए हमने क्या कह दिया नाम, कि एंजाइम विद इन यीस्ट। आप जानते हैं ना कि यीस्ट क्या है, कि यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस एंड इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ एंजाइम। जी स्टूडेंट्स, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, जिनको लिविंग सेल्स क्या करते हैं, बना रहे हैं, एंड आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस विदाउट गेटिंग कंज्यूम देमसेल्स। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होने वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, एंजाइम्स का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट आर एंजाइम्स, गिव एग्जांपल्स। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट जरूर लिखनी है कि एंजाइम कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो स्टूडेंट, ये दो बातें आपने डेफिनेशन में जरूर मेंशन करनी है। अगली बात आ जाए कि मोर देन 2000 एंजाइम्स नाउ डिस्कवर्ड। अब तक 2000 से ज्यादा एंजाइम जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, और एंजाइम मॉलिक्यूल अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, जिसके साथ ये बाइंड करते हैं। जी केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की केमिकल नेचर क्या होती है, कि एंजाइम जो है वो टर्शियरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब प्रोटीन की सिंथेसिस के 4 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी लेवल। अब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, कि टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो लेवल होता है जिसमें प्रोटीन अपनी फाइनल शेप क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है, कि मुकम्मल तौर पर फाइनल शेप जो है वो बन चुकी होती है प्रोटीन्स की टर्शियरी लेवल के दौरान। तो हम कहते हैं कि टर्शियरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं कौन, एंजाइम्स, क्योंकि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो वो अपने ही इर्द गिर्द फोल्ड और मजीद क्वाइल हो जाती है, और वो एक बॉल लाइक स्फेरिकल शेप बना लेती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के दौरान ये चीजें वकूअ पज़ीर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स हैव टर्शियरी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और शेप। एंजाइम्स आर फंक्शनल प्रोटीन्स एंड दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स क्या है, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स। फंक्शनल प्रोटीन्स का मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी में फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, ये फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि दे हैव फंक्शनल रोल इन आवर बॉडी या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कि ये साइज में लार्ज होते हैं, कि दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट रेंज इन मिलियंस, 12,000 से लेकर 1,000,000 तक एंजाइम्स का क्या हो सकता है, वेट हो सकता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। जी नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, तो एंजाइम्स चूंकि प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड अमाइनो
एसिड्स, हंड्रेड्स ऑफ एमाइनो एसिड्स से मिलकर जो है एंजाइम्स बने हुए होते हैं। और ये एमाइनो एसिड्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जैसे मिथियोनीन एंड सिस्टीन, जिनमें सल्फर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, सी एंड बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं। और ये अमाइनो एसिड टर्शियरी स्ट्रक्चर के दौरान आपस में कोइल होते हैं और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर जो है, जो कॉम्प्लेक्स 3D शेप है एंजाइम की, वो इसको इसके प्रॉपर्टीज क्या करती है? प्रोवाइड करती है, इसको उसकी प्रॉपर्टीज क्या करती है? अवेल करवाती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा के सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम किस तरह से बनते हैं, इनकी मेकिंग किस तरह से होती है। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बन रही हैं, स्टूडेंट्स जितने भी प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बन रही हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके जेनेटिक मटेरियल में, जिसको हम DNA का नाम देते हैं। कि DNA में इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में मौजूद है और वो जीन्स इनकोड होती हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर RNA में, फिर इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर RNA आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो इसको हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू DNA को इस्तेमाल करके हम एंजाइम्स बनवाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम टोटली क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा का नाम देते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एंजाइम के कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं? तो एक्टिव साइट को हम डिस्कस करते हैं इसमें स्टूडेंट, कि व्हाट इज एक्टिव साइट। के एंजाइम की सरफेस पर एक ऐसा रीजन होता है जो कि बाइंड करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। उसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि कोफैक्टर प्रोस्टैटिक ग्रुप भी बाइंड कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। और ये एक्टिव साइट एमाइनो एसिड मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है जो कि उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एंजाइम के साथ क्या करवाते हैं? होल्ड करवाते हैं, उसको बाइंड करवाते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ। तो स्टूडेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है? कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है? ए रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम। कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिव साइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एक्टिव साइट के क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले याद रखिएगा कि ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एक्टिव साइट। 5% ऑफ द एंजाइम कंप्राइजेस ऑफ एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। 4 से 5 अमाइनो एसिड जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट का हिस्सा होते हैं। और एक खास बात स्टूडेंट यहां पर आपने नोट करनी है कि एक्टिव साइट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो उसका शेप और उसके चार्ज हैं। कि एक्टिव साइट का एक मखसूस चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और उसकी एक मखसूस शेप होती है जो कि उसको हेल्प करवाती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करवाने में। तो अब ये चार्ज और शेप आपकी बुक में एक स्टेटमेंट में बताया गया है, तो मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको सेपरेट स्टेटमेंट में बता रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट का, वो किस वजह से होता है? जो अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स जो एंजाइम की एक्टिव साइट में मौजूद हैं, उन अमाइनो एसिड की साइड चेन पर चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज भी होती हैं वो साइड चेन्स और पॉजिटिवली चार्ज भी होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ साइड चेन इज द चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट। और जो एक्टिव साइट की शेप का जिक्र किया गया है, वो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो उस एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से होती है। और जो 5% जो है वो हिस्सा मुश्तमिल होता है एंजाइम की एक्टिव साइट पर, और बाकी रेस्ट ऑफ द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ बल्क ऑफ एमाइनो एसिड्स। के जो एक्टिव साइट के अलावा जो बाकी हिस्सा होता है एंजाइम का, वो बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। और वो अमाइनो एसिड जो है वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो उस एंजाइम
को स्टेबलाइज करने में, उसकी मेंटेनेंस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उस एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में वो बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो महदूद है सिर्फ उसकी एक्टिव साइट तक ही। अमीनो एसिड चेन्स जो है वो वीक लिंकेज बनाती हैं किसके साथ, सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। उन वीक लिंकेजेस में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ सकते हैं, आपके पास आयोनिक बॉन्ड्स आ सकते हैं और कुछ अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये डायग्राम में देखिएगा स्टूडेंट कि आपके पास एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसकी एक्टिव साइट है, एलोस्टेरिक साइट है और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल किस तरह से जो है वो बाइंड कर रहा है, और साथ ही साथ एंजाइम के एक्टिव साइट में अमीनो एसिड चेन भी दिखाई गई है, जो अमीनो एसिड हिस्टिडीन और मिथियोनीन को दिखाया गया है यहां पर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा एंजाइम की एक्टिव साइट के हिस्से। अब एक मॉडल है एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन का, उसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, उसको हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि उस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो साइट है जो सब्सट्रेट को एंजाइम के साथ मिलवाती है और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को एंजाइम के साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या करती है, होल्ड करती है और ये ES कॉम्प्लेक्स बनवाती है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनवाती है। और ये चौथा फंक्शन इसका क्या है कि ये कैटालिटिक साइट को क्या करती है, एक्टिवेट भी करती है। ऑन द अदर हैंड कैटालिटिक साइट जो है वो बाइंडिंग नहीं करवाती, सेकंड हैंड वो ओरिएंटेशन नहीं करवाती, वो ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाती और बाइंडिंग साइट क्या करती है, उसको एक्टिवेट करती है कैटालिटिक साइट को। पांचवा फंक्शन देखिएगा इनका कि बाइंडिंग साइट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करती, जबकि कैटालिटिक साइट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, क्योंकि कैटालिटिक साइट इन्वॉल्व है किसमें, ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकेज में और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में। और लास्ट वन इस देखिएगा नंबर 6 पॉइंट के बाइंडिंग साइट जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि कैटालिटिक साइट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है। तो ये देखिएगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है कि ये एंजाइम है और एंजाइम की एक्टिव साइट किससे दिखाई गई है कि बाइंडिंग साइट कौन सी है, कैटालिटिक साइट कौन सी है। स्टूडेंट्स उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्टिव साइट के लिहाज से बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स के एंजाइम, कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स की के। अब देखें एंजाइम का नाम, एंजाइम को हम किस तरह से नाम देते हैं कि अगर एंजाइम दो लफ्जों पर मुश्तमिल है तो पहला पार्ट उसका सब्सट्रेट के नाम पर होगा उसके, और दूसरा पार्ट उस सुफिक्स के नाम पर, जो ASE हम ऐड करते हैं एंजाइम के नाम के आखिर में, ASEO सुफिक्स जो है वो ऐड करेंगे हम। अब यहां आप देख सकते हैं स्लाइड में के जो एंजाइम लैक्टेज है वो लैक्टोज उसका सब्सट्रेट है, जो एंजाइम माल्टेज है माल्टोज उसका सब्सट्रेट है, जो सेलुलेज है उसका सेलुलोज सब्सट्रेट है, लाइपेज लिपिड्स पर एक्ट करते हैं, एमिलेज जो है वो स्टार्च पर एक्ट करती है और प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं उनकी, उनको इन तमाम, ये तमाम एंजाइम अपने रिस्पेक्टिव सब्सट्रेट को उनके कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक और आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम का जिक्र किया गया यहां पर इस डायग्राम में कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है डाइसेक्राइड में, जो कि क्या है, सुक्रोज है माल्टोज है लैक्टोज है, फिर उन सबस्ट्रेट पर उनके रिस्पेक्टिव एंजाइम्स लैक्टेज सुक्रेज माल्टेज एक्ट करके उनको क्या कर रहे हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग मोनोमर्स में चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट इसको आपने अच्छे तरीके से इन एंजाइम्स को रीड करना है, नोट करना है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं स्टूडेंट्स, दो बातें, दो खसूसियात, टू करेक्टरिस्टिक्स, रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक्स, पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की हैं। एक हमारे पास है क्या कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि ईच एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। के अगर लाइपेज एंजाइम है तो वो कैटलाइज करेगा लिपिड्स की ब्रेकडाउन को, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की ब्रेकडाउन को कैटलाइज नहीं करेगा। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली ए सिंगल केमिकल रिएक्शन एंड कन्वर्ट पर्टिकुलर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल इनटू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी कौन सी है कि दे एक्सलरेट रेट ऑफ रिएक्शन, दे स्पीड अप द रिएक्शन अप टू 10^20 के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। ये एवरेज है स्टूडेंट्स, 10^20 जो मैंने आपको रेंज बताई है ये एवरेज है। बहुत एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो से इससे भी ज्यादा रेट पर कैटालिसिस के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर आपको एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी का जो फास्टेस्ट एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि एक मिनट में क्या करता है, 600,000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी स्पीड के साथ ये रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं और कैटालिसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और इनहेंस करते हैं। और आप बाकी आप जानते हैं, अभी हम डिस्कस किया है कि पहली प्रॉपर्टीज आप देखें कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, नंबर टू दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, नंबर थ्री कि इनकी एंजाइम की प्रेजेंस जो है, इनकी जो प्रेजेंस है ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन या नेचर ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो चेंज नहीं करती। चौथी प्रॉपर्टी देखिएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम ही इनफ होती है केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए। स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या है कि माइक्रोलीटर के माइक्रोलीटर्स में जो मकदार है एंजाइम्स की वो इनफ होती है किस पर्पस के लिए, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। और नेक्स्ट देखिएगा नंबर फाइव कि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन में, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये नंबर सिक्स देखिएगा कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव इवन इन माइनर चेंज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच चेंज, के अगर थोड़ी सी भी पीएच चेंज इधर उधर हो जाती है पीएच, तो हम कहते हैं कि एंजाइम के फंक्शन में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है कि वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को और उसके बायोकेमिकल एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर सेवन देखिएगा स्टूडेंट के सम एंजाइम्स रिक्वायर को फैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, कि बहुत से एंजाइम ऐसे हैं जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ और हेल्पर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, जिनको हम कहते हैं कोफैक्टर का नाम देते हैं। इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोफैक्टर उसके टाइप्स में। एंड लास्ट वन इज दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी टू इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्या करते हैं, रिएक्शंस को इनहांस करते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं कि वो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए काफी हो या उस रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए काफी हो, उसको हम कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड लास्ट वन जो मैंने आपके लिए स्पेशली एड किया है ताकि आपको पता चले कि टर्न ओवर नंबर, उसका दूसरा नाम हम कहते हैं एंजाइम एफिशिएंसी, कि टर्न ओवर नंबर क्या होता है कि एक खास वक्त में एक एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म किया है प्रोडक्ट्स में, वो उसकी क्या एंजाइम की एफिशिएंसी है या टर्नओवर नंबर है। या एग्जांपल ऑरेंज मैंने यहां स्लाइड को हाईलाइट किया है कि कैटालेस एंजाइम जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है, वो एक मिनट में 6 × 106 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उनका प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो येलो बॉक्स में देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बहुत कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि पोटेंशियली डैमेज होते हैं, अगर उनको उनकी एक्टिव फॉर्म में रिलीज करवा दिया जाए, सिक्रीट करवा दिया जाए, तो वो सेल के स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिहाजा उनको इनएक्टिव फॉर्म में क्या किया जाता है, रिलीज करवाया जाता है। तो पेप्सिन और पेप्सिनोजेन में क्या फर्क है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि सलाहियत रखता है, अगर इसको एक्टिव फॉर्म में स्टोमक में क्या कर दिया जाए, रिलीज करवा दिया जाए, तो स्टोमक के सेल के स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, और उसको हम कहते हैं क्या, डैमेज, ये बहुत डैमेज करने वाला एंजाइम है। ऑन द अदर पेप्सिनोजन क्या है, इन एक्टिव फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की, कि स्टोमक में पेप्सिन को पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज करवाया जाता है, फिर HCl जब स्टोमक सिक्रीट करता है तो HCl पेप्सिनोजन के साथ मिलकर उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात।